पीपल से दैट वी को द पीपल से बदलेंगे दे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, हैव लिखा था, हेड कर दो, लॉस्ट ग्रेट लीडर, और बोलो। सर जो क्वेश्चन बोला था आई सेल गिव यू द पेन, तो यू है तो उसने सब ऑब्जेक्ट से नोन से ये नहीं आया, मी से बदलेंगे ना उसको, सब बुक क्या है ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अगर यू सब्जेक्ट होता और फिर ऑब्जेक्ट से बदलते तो सब्जेक्ट लाके देता हमको, ठीक है। जैसा जैसा वो खुद काम करेगा वैसे ही वो पजेसिव लेके आएगा, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट लेकर आएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। और कोई क्वेश्चन, दो एक्सरसाइज करानी है आज ही, आज में आगे बढ़े कि रुके रहे, हो गया। चलो देखो, देख लो अभी भी कोई हो तो, नहीं है तो देखें। टाइप नंबर सेकंड अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा प्रेजेंट और ये लिखा पास्ट, यानी प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। देखो अच्छे से समझना इसको, अगर आपको सेंटेंस में सेड मिल जाए, क्या मिल जाए, सेड, तो सेड का क्या लिखते हैं, शेड, शेड का। अगर आपको क्या हो गया, बनती क्या, चालू कर, चालू है क्यों लग रहा है, बाकी को नहीं लग रहा, बस तुझे ही लग रहा है, तेरे को देखने के लिए किस होता नहीं है किसी ने, तो देखो सेट की जगह, सेट की जगह क्या आता है, सेट। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, ये लिखा सेट टू ऑब्जेक्ट, सेट टू ऑब्जेक्ट क्या आएगा, टोल्ड, सेट टू की जगह क्या जाएगा, टोल्ड। अगर आपको ये दोनों कंडीशन मिले तो इस कंडीशन में अपन ने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, चेंज, सब्जेक्ट क्या किया जाता है, चेंज। वही मैंने लिखा टेंस, ये लिखा मैंने टेंस, तो टेंस भी क्या होता है, चेंज, सब्जेक्ट भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज। ये बात दिमाग में रख लेना, अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसकी फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाए वो भी चेंज होगा, बस शर्त है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में पूछा। सेड और सेड टू कंडीशन में सब्जेक्ट क्या होगा, चेंज, और टेंस भी क्या रहता है, चेंज। इसके बाद फिर अपन ने आगे लिखा से, तो से का से, फिर अपन ने लिखा सेस, तो सेस का सेस, फिर अपन ने लिखा से टू ऑब्जेक्ट, तो इसका होता है टेल, और फिर अपन ने लिखा सेस टू और ये लिखा ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या होगा, यहाँ एस लगा है तो यहाँ भी क्या है, यहाँ एस है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और ये दोनों क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी क्या होती है, वर्ब की सेकंड। अब सेड टू ऑब्जेक्ट, सेड क्या है, वर्ब की सेकंड, तो टोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड, यानी सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये कंडीशन आ जाए और फिर आपसे कहा जाए कि यहाँ लिखा हो सब्जेक्ट, ये लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, चेंज, सब्जेक्ट क्या होगा, चेंज। ये लिखा अपने टेंस, टेंस अगर इस कंडीशन में आ जाए तो ये क्या रहेगा, नो, आगे बस समझ में। फिर देखो एक बार,
अगर सेट लिखा हो तो सेट का सेट टू ऑब्जेक्ट का इस कंडीशन में सब्जेक्ट चेंज तो टेंस भी क्या होगा लेकिन अगर कंडीशन आ जाए से की जगह सेस की जगह सेट टू ऑब्जेक्ट की जगह सेस टू ऑब्जेक्ट की जगह इस कंडीशन में सब्जेक्ट तो चेंज होगा और सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसकी फैमिली का कोई भी वर्ड वो भी चेंज होगा तो सब्जेक्ट तो चेंज होगा लेकिन टेंस कभी भी चेंज होगा जैसा है वैसा का देखो एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने लिखा ही और ये लिखा सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई प्ले और ये लिखा क्रिकेट ये आई क्या हो गया अपने लिए सब्जेक्ट प्ले क्या है परफ्यूम और ये क्या हो गया परफ्यूम फर्स्ट फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया प्रेजेंट और अपन को मालूम है कि ये परफ्यूम फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ ये किस में जाएगा सेकंड फॉर्म में तो ये लिखा अपन ने ही सेट की जगह सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आई को इसे चेंज करेंगे क्या आ जाएगा बाकी फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी सेकंड फॉर्म है प्लेट और ये हो जाएगा नहीं आया अगला क्वेश्चन ही सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा या सेट टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कैन सॉल्व द और ये लिखा प्रॉब्लम ये लिखा ही की जगह सेट टू की जगह क्या आएगा टोल्ड फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आई को ही से बदलेंगे क्या हो जाएगा कैन का कुड कैन का क्या होगा क्योंकि सेड वाली कंडीशन में टेंस क्या होता है चेंज होगा तो कैन का क्या जाएगा और सॉल्व की जगह द और ये लिखा नहीं आया इसके बाद फिर अपन ने अगला क्वेश्चन लिखा ये लिखता ही सेज कॉमन बटेड कॉमा आई और ये लिखता प्ले एंड लास्ट वन क्रिकेट आई क्या हो गया अपने लिए सब प्ले क्या है और ये क्या हो गया बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया प्रेजेंट का तो देखो ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में अपन ने किसमें किया बर्फ की सेकेंड ही की जगह ही सेस की जगह कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आई को इसे चेंज करेंगे क्या आएगा अब यहाँ पर प्ले का प्लेट नहीं होगा अब यहाँ पर प्ले का क्या नहीं होगा अब यहाँ पे प्ले का क्या होगा प्लेस और लास्ट में क्या जाएगा ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से टेंस कौन सा हो रहा है प्रेजेंट का इंडेक्स तो यहाँ पर भी अपन को कौन सा रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस टेंस कौन सा रहेगा क्या टेंस चेंज किया अपन ने रहा तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही वो बात अलग है कि आई के साथ एस ईएस नहीं लगता लेकिन ही के साथ क्या लगता है एस या क्योंकि यहाँ आई था वो ई से चेंज हुआ तो क्या हो गया ही और ई कैसा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो इसके साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या अगला क्वेश्चन देखो ये लिखता ही सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कैन सॉल्व द और ये लिखा प्रॉब्लम तो ये लिखा ही सेज की जगह क्या आएगा सेज टू ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा फिर मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आई को इसे चेंज करेंगे क्या होगा कैन का अब कैन का कुड करू कैन का कुड करू क्या नहीं तो अब क्या रहेगा कैन का और ये लिखा सॉल्व द प्रॉब्लम देखो यहाँ अपन ने कैन का क्या किया है क्यों यहाँ क्या लिखा लेकिन यहाँ अपन ने कैन का क्या लिखा क्यों प्रेजेंट का टेंस प्रेजेंट में ही बनेगा और पास्ट का टेंस पास्ट किसमें बनेगा नोट करो प्रेजेंट का टेंस प्रेजेंट का पास्ट का
इसके बाद के तो सारे चैप्टर कराए हुए हैं, फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया।